पहला पाठ प्रकाश की पोथी, उसका 11 बाप, उसकी 19 ऐत, 12 बाप, 1 तो 6 अते 10। तद स्वर्ग विच खुदा दी हैकल खुली अते उस हैकल विच उस दे नेम दा संदूक दिखाई दिता अते उस वक्त बिजली दिया लिशकां गड़गड़ाहटां अते बदला दी गर्जन हुई, भूचाल आए अते वड्डे वड्डे गड़े भी पे। फिर आकाश विच एक महान निशान दिखाई दिता, एक औरत जिसने सूरज नू वस्त्र वांग पहनिया होया सी, चंद्रमा जिसके पैरां थले सी अते जिसके सिर उत्ते 12 तारियां दा ताज सी। वो गर्भवती सी अते जनेपे दियां पीड़ां दे नाल रोंदी सी अते जन्म दिंदियां उस दियां चीकां निकल रहियां सन। तद आकाश विच एक होर निशानी दिखाई दित्ती, देखो लाल रंग दा बहुत वड्डा अजगर जिस दे 7 सिर अते 10 सिंग सन अते उस दे पैरां दे 7 ताज सन। उस दी पूछ ने आकाश ते 1/3 तारियां नूं हुण सुट्टिया अते धरती उत्ते सुट दित्ता। ओ अजगर उस औरत दे सामने खड़ा हो गया जो हुण अपने बच्चे नूं जन्म देन वाली सी, तां जो ओ उसदे बच्चे नूं जन्म लैंदे सार ही निकल जावे। उस औरत ने एक पुत्तर नूं जन्म दित्ता अते एक नर बच्चे नूं जिसने लोहे दी छड़ नाल सब कौमां उत्ते राज करना है, पर उसदा बच्चा उस तों चड़प लिया गया अते खुदा दे हजूर उसदे तख्त तक पहुँचा दिता गया अते ओ औरत उजाड़ वल भज गई जिते खुदा ने उस दे लई थां तैयार कर रखी सी, तां जो 1260 दिनां तक उसका पालन पोषण किया जा सके। तद मैं स्वर्ग विच एक उच्ची आवाज़ सुनी जो ऐलान करती सी, हुण साढ़े खुदा दी मुक्ति अते समरथा अते उसका राज अते उस दे महीन मसीह दा अधिकार आ गया है, क्योंकि साढ़े भरावां ते दोष लाउण वाला थले सुट दिता गया है जो दिन रात साढ़े खुदा दे सामने उन्हां उत्ते दोष लाउंदा रहिंदा सी। ए प्रभु दी बाणी है। पाठ दूसरा, करिन्थियां दे नाम, संत पौलुस दा पहला पत्र, उसका 15 बाब 20-27 ऐ तक। पर हकीकत यह है कि मसीह मुर्दिया विचों सचमुच जिंदा किया गया है अते उना विचों जो सो गए हैं पहला फल है, क्योंकि जिस तरह मनुख दे राही मौत आई उस तरह मनुख दे राही मुर्दिया का जी उठन भी आया होया। इसलिए जिस तरह आमद विच सब मनुख मुर्दे हैं उस तरह मसीह विच सब जिंदा किते जाएंगे, पर सब आपो अपनी वारी सिर, मसीह सब तो पहला फल, फिर उसकी आमद ते वो सब जो मसीह दे हैं। तद अंत आ जाएगा जदों मसीह सब हकूमतां अधिकारां अते कुदरत नूं नष्ट करन ते बाद राज सत्ता खुदा बाप दे हवाले कर देवेगा, क्योंकि उस नूं उस समय तक राज करना है जदों तक ओह अपने सब वैरियां नूं अपने पैरां हेठ ना कर लेवे। सब तो अंत विच नष्ट कीता जान वाला वैरी मौत है, क्यों जो खुदा ने सब कुछ उसदे पैरां हेठ उसदे अधीन कर दिता है। पर जदों कहिंदे है कि सब कुछ उसदे अधीन कीता गया है, तां इह स्पष्ट है कि खुदा जिसने सब कुछ मसीह दे अधीन कीता है आप उस विच शामिल नहीं हन। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸਦਾ 1 ਬਾਬ 39 ਤੋਂ 56 ਐ ਤੱਕ। ਉਹਨੀ ਦਿਨਾਂ ਮਰੀਅਮ ਉੱਠ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ
यहूदा देश विच एक शहर नू रवाना हुई अते उसने जकरिया देकर जाके अंदर वर्दिया एलिजबेथ नू सलाम आख्या। जदो एलिजबेथ ने मरियम दा सलाम सुनिया ता बच्चा उसकी कुख विच उछल पिया अते एलिजबेथ रुपाक नाल भर गई अते ओ उची आवाज नाल बोल पई, तू औरता विचो तन है अते तन है तेरे कुख दा फल। मेरे ए वड़े पाक कित्थो कि मेरे प्रभु दी माँ मेरे कोल चली आवे, क्योंकि वेख तेरे सलाम दी आवाज मेरे कन्ने पेंदिया ही बच्चा मेरे कुख विच खुशी दे मारे उछल पिया। ओ तन है जिसने तेनू मन लिया कि तू जेड़ियां गल्लां प्रभु वल्लों उसनू कहियां गईयां हन ओ पूरियां होण गियां। तद मरियम ने कहा, मेरी जान प्रभु दी उस्तत करदी है अते मेरी रूह मेरे मुक्तिदाता खुदा विच खुशी मनाउंदी है, क्योंकि उसने अपनी दासी दी दीनता उते मेहर दी नज़र कीती है। वेख हुण तो सब पीढ़ियां मैनू तन कहण गियां, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान काम कीते हन। उसका नाम पवित्र है, उसकी दया उसके श्रद्धालु भगतों उत्ते पीढ़ियों पीढ़ी बड़ी रहती है। उसने अपनिया बाहां का बल विखाया है, उसने कमंडियां नू उना दे दिला दे ख्याला अते कमंड विच तितर बितर कर दिता है। उसने शक्तिशालियां नू उना दिया गद्दियां तो थल्ले ला दिता है अते निमाड़ियां नू ऊंचा कीता है। उसने भुखियां नू चंगियां चीज़ां नाल रजाया है अते अमीरां नू खाली हथ वापस मोड़ दिता है। उसने अपने तरस दी खातर अपने सेवक इसराइल दी मदद कीती है, जिस तरह उसने साडे पुरखियां अब्राहम अते उसदे वंश नाल सदा ले वादा कीता सी। मरियम तकरीबन 3 महीने तक एलिजबेथ दे नाल रही अते फिर ओ अपने घर नू मुड़ गई। ए प्रभु दी पाक अंजील है। तेरी महिमा होवे मसीहा।